जो समय का पूरा खेल है, तुझे हाथ बिना वो फेल है। स्कूटर की भी हालत है ऐसी, चलती है ये जैसी तैसी, स्कूटर आगे बढ़ नहीं पाए, जब एक ही टायर दम लगाए। कुछ ऐसा ही लोकतंत्र है, सब शामिल हो इसका मंत्र है। मतदान हर महिला का अधिकार, वो हर जगह बराबर की हकदार। कोई भी महिला वोट देने से चूके ना, याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nvsp.in or call voter helpline 1950. बोली शिवपुरी के संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम में रविदास विचार मंच एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय निशुल्क योग शिविर का उद्घाटन योग प्राचार्य नमिता दीदी, पार्षद प्रतिनिधि रंजीत कुमार उर्फ बिल्लू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर रंजीत कुमार उर्फ बिल्लू ने कहा कि योग शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मानसिक शक्ति प्रदान करता है। कुछ मिनट योग करने से मानसिक दबाव एवं थकान से मुक्ति मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है। रविदास विचार मंच के महासचिव छोटू राम ने कहा कि योग का महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करने के निमित्त 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। अधिक से अधिक लोग योग शिविर और निशुल्क चिकित्सा शिविर में लाभ ले सकेंगे, इसके लिए सामाजिक जागरूकता की जरूरत है और रविदास विचार मंच सेवा भाव से इस उद्देश्य में कार्यरत है। उक्त अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि अशोक यादव, राम सेवक प्रसाद, मोहन राम, मानस राजपाल इत्यादि अनेकों गणमान्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ये 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर हम लोगों के बीच में लगाते हैं, जिसके तहत ही ये आज रविदास विचार मंच शिवपुरी भूली में रखा गया है। ये 6 तारीख तक चलेगा, जिसमें लोगों को हम आरोग्यता प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो योग से, नेचुरोपैथी से, जड़ी बूटियों से अपने आप को स्वस्थ बनाए और अंग्रेजी दवाइयों के जाल से मुक्त हो सकें। कितना फायदा पहुंचता है लोगों को? 100% फायदा पहुंचता है, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से करे तो इसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है। जितना अच्छे तरीके से वो प्रशिक्षण लेंगे, उतने ही अच्छे वो स्वस्थ भी हो पाएंगे।